दिल्ली अते चंडीगढ़ तो चलदे आकाशवाणी केंद्रां तो पंजाबी खबरां दे बुलेटिन बंद करन दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त शब्दां दे विच निंदा कीती है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि सरकार दा ए फैसला पंजाब अते पंजाबी भाषा नाल वितकरे वाला है, जिस नूं तुरंत वापस लिया जावे। एडवोकेट धामी ने आख्या कि दिल्ली अंदर वड्डी गिणती दे विच पंजाबी वसदे हन, जदकि चंडीगढ़ पंजाब दी राजधानी होण नाते इत्थों पंजाबी भाषा दे बुलेटिन खत्म करने पंजाब अते पंजाबियां नाल इक वड्डा धक्का है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने आख्या कि अद्धी सदी तो वध समय तो चल रहे पंजाबी दे बुलेटिन बंद करना सरकार की पक्षपाती सोच तो सेधित है, जिस नाल पंजाबियां अंदर निराशा पैदा होनी सुभाविक है। उन्हें कहा कि चाहिए तो यह है कि सरकार खेतरी भाषावां नूं होर प्रफुल्लित करन लई यतन करन, पर हो इस दे उल्ट रहा है। एडवोकेट धामी ने कहा कि यह बेहद संजीदा मामला है, जिसते सरकार नूं मुड़ विचार करके पहलां वांग ही पंजाबी बुलेटिन चालू रखने के आदेश देने चाहिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली अते चंडीगढ़ तो चलदे आकाशवाणी केंद्रां तो पंजाबी खबरां दे बुलेटिन बंद करन दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त शब्दां दे विच निंदा कीती है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि सरकार दा ए फैसला पंजाब अते पंजाबी भाषा नाल वितकरे वाला है, जिस नूं तुरंत वापस लिया जावे। एडवोकेट धामी ने आख्या कि दिल्ली अंदर वड्डी गिणती दे विच पंजाबी वसदे हन, जदकि चंडीगढ़ पंजाब दी राजधानी होण नाते इत्थों पंजाबी भाषा दे बुलेटिन खत्म करने पंजाब अते पंजाबियां नाल इक वड्डा धक्का है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने आख्या कि अद्धी सदी तो वध समय तो चल रहे पंजाबी दे बुलेटिन बंद करना सरकार की पक्षपाती सोच तो सेधित है, जिस नाल पंजाबियां अंदर निराशा पैदा होनी सुभाविक है। उन्हें कहा कि चाहिए तो यह है कि सरकार खेतरी भाषावां नूं होर प्रफुल्लित करन लई यतन करन, पर हो इस दे उल्ट रहा है। एडवोकेट धामी ने कहा कि यह बेहद संजीदा मामला है, जिसते सरकार नूं मुड़ विचार करके पहलां वांग ही पंजाबी बुलेटिन चालू रखने के आदेश देने चाहिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली अते चंडीगढ़ तो चलदे आकाशवाणी केंद्रां तो पंजाबी खबरां दे बुलेटिन बंद करन दी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त शब्दां दे विच निंदा कीती है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि सरकार दा ए फैसला पंजाब अते पंजाबी भाषा नाल वितकरे वाला है, जिस नूं तुरंत वापस लिया जावे। एडवोकेट धामी ने आख्या कि दिल्ली अंदर वड्डी गिणती दे विच पंजाबी वसदे हन, जदकि चंडीगढ़ पंजाब दी राजधानी होण नाते इत्थों पंजाबी भाषा दे बुलेटिन खत्म करने पंजाब अते पंजाबियां नाल इक वड्डा धक्का है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने आख्या कि अद्धी सदी तो वध समय तो चल रहे पंजाबी दे बुलेटिन बंद करना सरकार की पक्षपाती सोच तो सेधित है, जिस नाल पंजाबियां अंदर निराशा पैदा होनी सुभाविक है। उन्हें कहा कि चाहिए तो यह है कि सरकार खेतरी भाषावां नूं होर प्रफुल्लित करन लई यतन करन, पर हो इस दे उल्ट रहा है। एडवोकेट धामी ने कहा कि यह बेहद संजीदा मामला है, जिसते सरकार नूं मुड़ विचार करके पहलां वांग ही पंजाबी बुलेटिन चालू रखने के आदेश देने चाहिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ